दे दो, गरीब बाबा को कोई दे दो। भैया जी, माँ भला करेगी, सारी चिंताएं माँ के चरणों में रख दो, कुछ गरीब बाबा को दे दो। मनोज तेरे पास छुट्टे है ना सर? मेरे पास। थैंक यू। माँ तुम्हारा कल्याण करेगी, मेरा आशीर्वाद। मनोज, तेरे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुझे कोई प्रॉब्लम हुई और तूने ढेर सारी चिंता की और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? नहीं सर, ऐसा कहाँ होता है सर। तो फिर हम चिंता क्यों करते हैं? देवी माँ पे क्यों नहीं छोड़ देते? जी सर। अच्छा बोला इसने, अपनी चिंताएं देवी माँ पे छोड़ दे, अपना काम करके देवी माँ पे छोड़ दें। ऐसी मिलापनी देवी जी, उनके सामने अगर प्रार्थना करें तो जोड़े मजबूत हो जाते हैं, उनके आपस में प्यार बढ़ता है, होता क्या? मिलापनी माँ का आशीर्वाद जो जोड़ा ले लेता है ना सर, वो कभी अलग नहीं होता। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सिट सिट। कैसे वो यदि आएगी तो उसको मेरे कैबिन में। डांस। ओके। देवो नथानी ब्रदर्स की डील ना आज लॉक करनी है हमको। आई होप फाइल पढ़ ली है। एनी चेंजेस यू हैव टू टेल मी नाउ। नहीं मैंने पढ़ा नहीं अभी तक, लेकिन पढ़ लूंगा। ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा वो बाहर विधि के बारे में कुछ बोल रहा था। आई मीन यू न्यू आज लेट आने वाली है? हां हां उसका एग्जाम है ना। तो लीव एप्लीकेशन दी उसने? आई मीन फॉर्मली रिटन एप्लीकेशन दी उसने? हां दी थी, लेकिन लेकिन क्या देव? मैंने सुना है तुम देर शाम तक ऑफिस में विधि को पढ़ा रहे थे। देव आई एम सॉरी टू से, मगर इन सब बातों से ना हमारे ऑफिस स्टाफ में ऐसी फीलिंग आ सकती है कि तू ना विधि को अनड्यू फेवर कर रहा है। यार यार योगेश, अगर उनको ऐसा फील होता है तो ये गलत बात है। बट यू नो व्हाट, तूने सुनी होगी ये बहुत पुरानी अंग्रेजी में कहावत है, व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू इज नन ऑफ योर बिजनेस। बाकी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। झूठ बोल के आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सच बोल के बिगाड़ सकता है। और सच ये है कि कुछ है नहीं, कुछ हुआ नहीं। और सच ये भी है कि सब लोग जानते हैं कि मैं एम्प्लॉयज को कैसे रखता हूँ, उनके साथ कैसे बिहेव करता हूँ, सबके साथ इक्वल रहता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं उनका बॉस हूँ, और बॉस होने के नाते मैं भी ये समझता हूँ कि मैं अगर एज अ बॉस उनके साथ अच्छी तरह रहता हूँ तो वो भी कंपनी को अपना बेस्ट देंगे। खैर ये तो सेकेंडरी है, पहली चीज तो ये है कि इंसानियत के नाते हमें अपने एम्प्लॉयज को अच्छी तरह रखना चाहिए। सिंपल। वेरी वेरी गुड थ्योरी, वेरी गुड थ्योरी, मगर मैं इसे क्रॉस चेक किए बिना ना इस थ्योरी की वाहवाही करूंगा ही नहीं। कर ले फिर इंटरनेट पे चेक, मेरे ही कर ले यूज। क्या ही? नहीं नहीं इससे क्यों करें, प्रैक्टिकली करते हैं ना, इधर देखते हैं ना। कम ये देखो, ये बंदा दिख रहा है कंप्यूटर पे, हाँ? दो दिन पहले इसने लीव एप्लीकेशन दी है। ये जो बंदा है ना, ये जो बंदा, ये इसके माँ बाप ने प्यार से इसका कुछ नाम रखा होगा ना, सो काइंडली। ओह या गुड पॉइंट। तो ये जो मिस्टर संकेत मेहरा फ्रॉम द पीआर डिपार्टमेंट, हाँ उन श्रीमान की बात कर रहा हूँ मैं, बताइए। हाँ मैं जानता हूँ, संकेत परसों से लीव पे क्योंकि उसकी माँ की नी की सर्जरी है। और आपकी जानकारी के लिए मैंने उसे ऑफिस के रिलीफ फंड में से 50,000 रुपए दिए, और हम उसे एडवांस में 2,00,000 रुपए दे सकते हैं। और कुछ एक और चैलेंज करना है? चैलेंज नहीं भाई, माफ करें जापना, अभी तक घुटने छिले हुए, नहाता हूँ ना, चीखे निकलती है। चैलेंज बाबा छोड़ो, तुम दोनों थोड़ा सीरियस हो जाओगे प्लीज। देव थोड़ा बात को समझो, ऑलरेडी स्टाफ में बातें चल रही है। वो अंबा के आने पर तुमने केबिन का दरवाजा बंद कर लिया था। उसको लेकर स्टाफ में ऑलरेडी बात उछली पड़ी है,
कनिका, अब मैं क्या करता हूँ ऑफिस में? दरवाजा बंद होता है, खुला होता है, ये मुझे क्या, मुझे एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी सबको? हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है देव, लेकिन ये जो स्टाफ है जिसका तुम बहुत ख्याल रखते हो, ये लॉयल और अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इनका तुमसे सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो है सैलरी का। जहां ज्यादा मिलेगी चले जाएंगे, उन्हें मौका मत दो। खड़े खड़े स्टोरीज बनाएंगे और स्प्रेड कर देंगे सब जगह। यार फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे नहीं लगता है कि मेरे बारे में ऐसे कोई गॉसिप करेगा। और तुम्हारा ये अंदाजा अगर ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर फेथ हुआ तो? ये सब उनके लिए टाइम पास है, लेकिन तुम्हारे रेप्यूटेशन का क्या होगा? प्लीज थोड़ा सोचो। ठीक है, इन दैट केस हमारे तो ऑफिस का कल्चर ही है कि गॉसिप अलाउड ही नहीं, और अगर कोई गॉसिप करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। ओके? हरि प्रसाद भैया, इस बार का जगराता इतने धूमधाम से होगा ना कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। अरे अभी अभी भजन मंडली और डेकोरेशन वाले से बात करके आया हूँ। बस माता की कृपा से सब ठीक ठाक हो जाए। भैया माता के आशीर्वाद से तो बहुत अच्छा हो गया जो तूने मेरी दुकान संभाल ली। फिर की ले रहा है मेरी? मैं परेशान था, मेरी परेशानी दूर करने के लिए तूने मुझे काम दिया और कह रहा कि मैं तेरी मदद करने के लिए मान गया। अरे यार तेरा ना दिमाग बचपन से ही घुटनों में है। अरे बात समझ, तेरे दुकान संभालने से मुझे एक भरोसे का आदमी मिल गया, और तेरा फायदा ये है कि जब तक तुझे तेरे लायक नौकरी नहीं मिलती तो क्या काम कर सकता है। देख भैया थोड़ा ही सही, पर शाम को जब घर जाएगा ना तो मुट्ठी में कुछ पैसे होंगे, ये नाक पे गुस्सा नहीं होगा। सच बताऊं कालू, घर जाता हूं ना तो घर वालों का सामना करते हुए चोर सा महसूस होता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा धोखा दे रहा हूं उन्हें। भैया एक बार की हिम्मत की बात है, इस सर पे वजन लेके मत घूम। बताना आसान है, छुपाना आसान नहीं है। विधि, तुम्हें देव सर ने कैबिन में बुलाया। देव सर? सर आपने मुझे बुलाया था। तुम्हारा एग्जाम का जरा? सर बहुत अच्छा था, और सबसे पहले तुम मुझे आपको। अच्छा सुनो, मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, मैं जरूर खत्म करके आता हूँ। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी, मुझे याद दिलाना। ओके सर, थैंक यू बोलना था। ये कितनी अच्छी बात है ना कि हमारे विधि के बॉस उसके एजुकेशन के लिए कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितनी मदद कर रहे हैं, है ना? पर ना हाँ, आजकल कौन अपने एम्प्लॉयज के लिए इतना करता है? आधे दिन की छुट्टी मांगो ना तो पूरा हफ्ता कान के पास मक्खी की तरह से बिन 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 करते हैं। वो क्या है ना पीली, कि दूसरे बॉस अपनी जगह और मेरे दे अपनी जगह। बिमला तू क्यों इतना टेंशन ले रही है? क्या हुआ अगर भाई साहब के बॉस ने उनको एडवांस नहीं दिया तो? मैं हूं ना। देख तू तू मुझसे तो लोन ले सकती है ना, और देख जब भी तुम लोगों के पास पैसे आएंगे ना तब थोड़ा थोड़ा करके मुझे लौटा देना, कौन सी बड़ी बात है उसमें यार। हाँ बिमला, अब थोड़ा बहुत तो मैं भी दे सकती हूँ ना। नहीं नहीं वो नहीं मानेंगे, वैसे भी मैं अपनी परेशानियां उनके सामने नहीं उठाना चाहती, आजकल बहुत तनाव में है वो। और पता है आज तो वो मेरे साथ सत्संग जाने की भी बात कर रहे थे। चलो तुम्हारे सत्संग चलते हैं, इतना कुछ सुना है तुम्हारे मुंह से सत्संग के बारे में, शायद वहां जाके मन को शांति मिले। क्या क्या
हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इसीलिए तो आज मैं काम पर नहीं आई। मैंने बोल दिया कि घर में बहुत सारा काम पड़ा है, मैं खुद भी नहीं जा रही हूँ, फिर कभी चलेंगे। हे बिमला, लेकिन तूने आज बात को टाल दिया, कल क्या बोलेगी, परसों क्या बताएगी? ये तलवार तो अब गर्दन पे लटकी रहेगी। बिमला, पीली बिल्कुल ठीक कह रही है। अब मुझे लगता है कि तुम्हें भाई साहब को सच सच बता देना चाहिए। अरे ऐसे कैसे, मतलब मैं क्या कहूंगी उनसे? सर की वजह से मेरी एग्जाम कितनी अच्छी गई। मुझे उन्हें थैंक यू बोलना था पर मैं बोल ही नहीं पाई। और लगता है सर आज बहुत बिजी है, क्या करूं? सीए के पास पेपर भिजवा के काम शुरू करवा दो जल्दी से, है ना? सर, हाँ। तो आपको मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। देव, ये विधि का एग्जाम भी हो गया अभी, और उसने कंप्यूटर भी सीख लिया है, तो क्यों ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी बढ़ा दी जाए। वो तनेजास ग्रुप में हम इसे राइट। विधि, तुम आज से ऑफिस के सारे एक्सपेंसेस डिटेल में लिखोगी, और इतना नहीं, अकाउंट भी बनाओगे उसका, ठीक है? नहीं, मैंने वो तनेजाज में उसे वो कनिका दीदी ना, हिसाब किताब में बहुत अच्छी है, और अच्छा मैनेजमेंट क्या होता है, इंसान के अंदर जो खासियत है उसको देख के उसको काम दे, है ना? क्या? और वैसे भी तुम कह रही थी ना कि वो अकाउंटेंट्स को लंबी छुट्टी चाहिए, तो ठीक है ना, वो अकाउंटेंट्स थोड़ा विधि को ट्रेन करके चले जाएं छुट्टी के लिए, उनके लिए भी अच्छा। ओके। विधि, तुम जरा एक मिनट। हाँ सर। What is wrong with you? विधि की टांगे कटवाने के चक्कर में हमारा गला कटवाओगे तुम? वो एक्सपेंस शीट नहीं, हमारी चार्ज शीट लिखेगी। डर किस बात का है, मैं हूं ना। That is the whole problem. तुम्हें भरोसा नहीं है? मैं सब संभाल लूंगी, तुम अभी मेरा दिमाग मत खाओ। भूसा खाने का शौक नहीं मुझे। हेलो, ये जो भूसा है ना, इसे की तारीफ करोगे तुम बाद में, समझे? मैं सब संभालूंगी। ये जो विधि है ना, ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। कम। आपने बुलाया था सर? हाँ विधि, वो मेरे भाई और उसकी वाइफ को मिलापनी देवी के दर्शन करवाने के लिए भेजा था। हो पाएगा ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ जी सर, हो जाएगा। मैं ना अभी माँ पापा से बात कर लेती हूँ, उनके ऐसे दर्शन करवाएंगे कि मिलापनी माँ का आशीर्वाद सीधा उनके ही सर पर होगा। हरिप्रसाद जी, क्या भैया, सारा का सारा पुण्य अकेले ही कमाएंगे क्या? कोई भी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक हमें बताइएगा। भाई साहब, आप तो इतना कीजिएगा कि भारी से भारी संख्या में आके माता के जागरण का आनंद लें बस। भाई साहब, मैं और कुछ औरतें सबके लिए खाना बनाने में मदद कर देंगे, बाहर से महाराज बुलाने की कोई जरूरत नहीं। और ये देखिए, सजावट के कामों में मोहल्ले के लड़कों को लगा दिया है। ए भाई रुको जी, या भारी करेंगे सजावट। जी जी, मंदिर का किवाड़ है जी। चलो चलो भाई, जल्दी काम पे लगो। इतना सब? अरे हरिप्रसाद जी, बहुत अच्छा दोस्त है वो आपका, कालूमल।
सारा सामान और आदमी तो वो पहले ही ले आए थे, मोहल्ले के कुछ आदमी हमने लगा दिए। देखिएगा कैसे चमकेगा माता का दरबार। बहुत बहुत आभार आपका भाई साहब। अपने बस का तो था नहीं, तो जगराते के लिए माता ने खुद अपना प्रबंध कर लिया। ठीक, थैंक यू। अच्छा सुनो, वो तुम कुछ जगराते की बात कर रही थी ना? हाँ सर, वो ना मुझे आपको एकदम ठीक से जगराते के लिए इनवाइट करना था। ठीक से मतलब क्या? जगराते के लिए कैसे इनवाइट करेंगे? टाइम और डेट बताना होगा। ठीक से क्या होता है? ठीक से मतलब सर आपको और आपकी। अभी उन्हें कुछ मत कहना, देव सर और उनकी वाइफ में थोड़ी टेंशन चल रही है। कब क्या है वो हमें बता देना, तो वक्त आने पर हम उन्हें खुद मना लेंगे। वो कनिका मैम। ठीक है। देखो दीदी, मैं तुम पे पूरा भरोसा करता हूँ, है ना? तो मैं अगर तुमसे कुछ पूछूंगा तो तुम उसका सही जवाब दोगे मुझे, राइट? हाँ जी सर, पूछिए ना। ऑफिस में तुमने ऐसा कुछ सुना कि मेरे बारे में गॉसिप कर रहा है, ऐसी वैसी कोई बात कर रहा है? सर ऐसी वैसी मतलब कैसी? ऐसी वैसी मतलब मेरे नाम के साथ किसी और के नाम को जोड़ना, कुछ वैसा। नहीं नहीं सर, ऑफिस में सबको लगता है कि आप बहुत शरीफ हो। सर तो लगते मतलब क्या हो रहा है? मैं हूँ शरीफ? हाँ 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 सर, आप हो ही बहुत शरीफ, सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं। कोई आपके बारे में ऐसे बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ठीक है, तुम जा सकते। डियर सर, आपने जो सिखाया था उससे मुझे अपने एग्जाम लिखने में बहुत मदद मिली। कोई डर कोई घबराहट भी ना हुई। पहली बार एग्जाम देते वक्त सर नहीं खुजा रही थी मैं अपना कि इसका आंसर याद तो किया था, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं शायद आपको ठीक से थैंक्स नहीं बोल सकती, शब्द कम ही है ना सर, तो मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ कि आप हमेशा हमेशा खुश रहे, और साथ में थैंक्स भी बोल रही हूँ। पर ये मत समझना सर कि मैं ना सिर्फ रूखा रूखा सा थैंक्स बोल के आपको निपटा दूंगी। अगर मैं अच्छे नंबरों से पास हुई, जो कि मुझे लग रहा है कि मैं पक्का होने वाली हूँ, तो ना मैं आपको एक छोटी सी पार्टी दूंगी, पक्के वाली प्रॉमिस। योर सिंसियरली विधि। पक्के वाली प्रॉमिस। एक बारी माता जी का नाम लेके बता देती हूँ, अरे रोज रोज ये तलवार सर पे लटकी रहेगी, क्या होगा, घटेगी या हटेगी? फिर क्या बहाना बनाऊंगी रोज रोज। एक तीन, अब तीन चम्मच नमक पहले ही डाल चुके हैं। अब अगर इस सब्जी को और नमकीला बनाना है तो ठूस दो। पूरे घर में हंगामा चल रहा है, एक यहाँ अलग डिजाइन का और एक वहां अलग डिजाइन का।
आ गई तू? तुझे बोला था मामी को बुला दे, कोई बात करनी है जरूरी। अच्छा सुन सुन सुन, रहने दे, बाद में कर लूंगा बात। मेरी तो ऐसी दो बार अंदर बार फरेड करवा चुके हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है इधर और उधर। माँ को तो ना वो दुकान वाली बात का सच बताने का टेंशन है, पर मामा जी को उन्हें कहीं आकाशवाणी तो नहीं हो गई ना कि मामी उन्हें कुछ बताने वाली है। बाहर आइए जल्दी। अरे अरे क्या हुआ? क्या हो गया? देखिए ना मौसम कितना भन्नाट है ना। विधू रसोई में बहुत सारा खाना बनाने को पड़ा है। माँ खाना बनाने से भी जरूरी कुछ और है, आपको एक दूसरे से कुछ कहना है ना, लेकिन बोलने में मुश्किल हो रही है। एक काम करो, आप दोनों सांस लो। तो तुझे क्या लग रहा है, सांस रोक के खड़े हैं हम लोग? नहीं पापा, ऐसे गहरी लंबी सांस, मैं दिखाती हूँ ऐसे, और फिर टेंशन चले जाएगा। आप दोनों एक दूसरे को जो कहना है कह दीजिएगा फिर। हाँ माँ, ये ट्रिक ना मुझे देव सर ने सिखाई है, बहुत कड़क है ना। हाँ और पापा, मैं ऐसे नई नई चीजें सीख रही हूँ ना, इसलिए ऑफिस में मुझे अकाउंट्स लिखने की जिम्मेदारी दी है। बहुत बड़ी बात है, देख रहे हैं आप कितना आत्मविश्वास आ गया इसमें। इतनी बड़ी जिम्मेदारी इसे मिली है पर ये घबरा नहीं रही है, खुश है, इतना आत्मविश्वास बढ़ गया है इसका। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतना बदलाव आ गया मेरी बच्ची। शाबाश बेटा। कोई मुझे भी तो शाबाश कह दो। तू तो हमारी होशियार समझदार बेटी पहले से ही है, घर की सबसे छोटी पर सबसे सयानी। हो गया, अब मैं तो नहीं बट ली, अब आप दोनों की बात हो जाए। हाँ अब मुझे लगता है कि तुम्हें भाई साहब को सच सच बता देना चाहिए। एक बार की हिम्मत की बात है, बताना आसान है छुपाना आसान नहीं है।